हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और वो भी कढ़ाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी मैदा और उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिला देंगे 3 चम्मच दही। दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल, ये मैंने रिफाइन ऑयल लिया है, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम इसे सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो अब इसे ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और अब बारी आती है पिज्ज़ा सॉस की। तो पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो क्या करें। ये 4 चम्मच लिया है हमने टोमेटो सॉस, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा ऑरिगानो या पिज्जा सीजनिंग। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो तैयार है हमारा पिज्ज़ा सॉस। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पनीर, इसे हम काट के तैयार कर लिया हमने। और अब आटा देख लेते हैं। तो आटा बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है और अब इसके हम 2 भाग कर लेते हैं और हाथों से ही इसे फैला देंगे। और 1 कांटा चम्मच लेंगे और इस तरीके से निशान बना देंगे जिससे कि ये रोटी के तरह फूलेगा नहीं। और जिस तरह से हमने निशान बनाया है उसी तरफ से हम तवा पर हल्का सा सेंक लेंगे, आंच को धीमा रखेंगे। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। और जिस तरफ से हमने सेका हुआ है उसे हम ऊपर करेंगे और बिना सिका हुआ नीचे। और साथ में दूसरा पिज्जा बेस भी सेक के तैयार कर लेंगे। और ये है हमारा देसी जुगाड़ू ओवन। तो एक कढ़ाई में हमने तवा को रख दिया है और आंच को फुल कर देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पर हम पिज्ज़ा को तैयार कर लेते हैं। तो पिज्ज़ा बेस पर लगाएंगे हम ये सॉस, अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। एक काम करते हैं, हम तवा पर ही इसे तैयार करते हैं। तो अब सॉस को हमने अच्छे से लगा लिया है चारों तरफ। अब इस पे हम लगा देंगे चीज़। आप चाहें तो इसकी जगह मोजरेला चीज़ लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह का स्लाइस वाला चीज़ भी लेके और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसे इस तरह लगा दीजिए। और अब इसमें हम लगा देंगे सब्जियाँ। सारी सब्जियों को हम एक करके लगा देंगे और ऊपर से डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग या ऑरिगानो, आपके पास जो भी हो उसे मिला लीजिए। और अब इसे हम एक भारी बर्तन से ढक के छोड़ देंगे। आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और यहाँ पे दूसरा पिज्जा भी हम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है और ये पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया सा सिक के तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट भी है और नीचे से सिका हुआ भी है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से पिज़्ज़ा ज़रूर बनाइए। और ये दूसरा वाला भी हम बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों जब भी मन हो पिज़्ज़ा खाने का बनाइए और एंजॉय कीजिए।